है। आप सबको नौवीं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का। बहुत डिमांड है भाई, सिलेंडर क्लास नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, अब सोच रहे हैं थोड़ा सा इस चला जाए सिलेंडर क्लास। तो आज से स्टार्ट करते हैं डीएसबीएम, एक सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। डीएसबीएम की बहुत डिमांड थी, बहुत कमेंट आए थे, इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सिलेबस है, छोटा 5-6 चैप्टर है, बस खत्म करेंगे हम लोग। तो डीएसबीएम में चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री आ जाते हैं, ट्रेड क्या होता है, धंधा, बिजनेस जो धंधा करते हैं ना, सामान खरीदना बेचना, और इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स। तो सबसे पहला क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इंडस्ट्री क्या है बताइए, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा एक लेआउट या ऐसा क्षेत्र या ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर किसी भी मटेरियल का प्रोसेसिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैकेजिंग होता है, और कुल मिला के उसको फिनिश गुड के रूप में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर किसी कंपनी में डाबर आंवला का तेल बनता है, तो अब आंवला का सीड आएगा, सॉल्वेंट आएगा, मशीन आएगा, केमिकल आएगा, मिक्स होगा, डिजॉल्व होगा, तेल बनेगा, सीसी में भरा जाएगा, फिर उसके ऊपर बोतल में ऊपर पैकिंग लगाया जाएगा, फिर डिब्बा लगाया जाएगा, फिर मार्केट में जाएगा। तो जो लास्ट में मार्केट में जाता है, जो हमको मिलता है, वो फिनिश गुड, वो क्या है, फिनिश। और उससे पहले का जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग है ना, प्रोसेसिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इन सबको जिस जगह पे हम करते हैं उसे इंडस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री आर द पर्टिकुलर प्लेस और स्पेस वेयर वी परफॉर्म द प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग एंड टू कन्वर्ट अ फिनिश गुड। समझ आ गया। अब फिनिश गुड क्या होता है भाई, इंडस्ट्री से निकलने के बाद, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, कुछ भी सारे होने के बाद, वो प्रोडक्ट जो कस्टमर तक जाना होता है या जो मार्केट में लॉन्च होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिशिंग गुड। क्या बोलते हैं, फिनिश गुड। ठीक है, ये इस एग्जांपल तो आप च्यवनप्राश का डिब्बा खरीदते हैं, तो अब च्यवनप्राश कंपनी में पहले मटेरियल आया होगा, मिक्स हुआ होगा, सेक हुआ होगा, फिर बोतल में भरा गया होगा, फिर लेबल चिपकाया गया होगा, फिर बोतल सील किया गया होगा, तो जो आपको सील करने के बाद मिला सब कुछ, वो फिनिश गुड है और उसके अंदर का सारा क्या है, प्रोसेस। अब इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, इस क्लासिफिकेशन को हम बारी बारी समझेंगे। तो इंडस्ट्री में पहला बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड, जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट उसे बोलते हैं फिनिश गुड। फिनिश गुड के आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, तो हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड, एफजी मतलब फिनिश गुड। फिनिश गुड के आधार पर कैटेगरी को हम बांट सकते हैं 4 भाग। पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, उसको हम अपने से नहीं बनाते, उसको नेचर बनाता है, उसको नेचर बनाता है, उसको हम बेचते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर किसान आलू बेचता है, कोड़ा बेचता है, भिंडी बेचता है, पुदीना बेचता है, तो क्या वो अपने से बनाता है घर में, वो उगाता है, क्या करता है, पर्टिकुलर खेती होती है वहां पर वो उगाता है, और जो उसका फिनिश गुड निकला, जैसे आलू निकला, कोड़ा निकला, लौकी निकला, नेनुआ निकला, वो फिनिश गुड है जिसको मार्केट में बेचता है। उसमें उसे कोई रोल नहीं है, उसका रोल केवल इतना है कि देखभाल करे और उसकी खेती करे, उस पेड़ को लगाए। दिस इज द जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब खेती किसानी अगर मन में रखोगे तो भूलोगे नहीं। जैसे हम लोग को बहुत सी दवाइयां मार्केट में बिकती है ना भाई, पुनर्नवा है, जितना को ग्रोसी में आपने पढ़ा है, रॉल्फिया सर्पेंटाइना है, नीम है ना, विनिका रोजिया है, तो ये सब मार्केट में बिकता है, तो कैसे का कोई बनाता है क्या, नहीं, उसको नेचर बनाता है, किसी भी प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलने वाला कोई प्रोडक्ट होता है। तो ये जेनेटिक के अंदर क्या आता है, जिसमें केवल प्रोसेसिंग कुछ नहीं होती है, सिर्फ कल्टीवेशन किया जाता है, खेती की जाती है, और जो प्लांट से निकलता है प्रोडक्ट उसको बेचते हैं, दिस इज जेनेटिक। यानी इसमें जो फिनिश गुड है हम बनाते नहीं, समझ आ गया होगा। दूसरी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपको बेचते हैं। जैसे आंवला, आंवले का जूस हमको मार्केट में बेचना है, तो आंवला का जूस हम कैसे बनाएं, केमिकल्स तो बनाएंगे नहीं, हमको आंवला लेना पड़ेगा, आंवले का जूस निकालना पड़ेगा, जूस बेचना पड़ेगा, तो एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जैसे मार्केट में बिकता है फैंटा माजा स्लाइस, तो वो आम के रस से बनता है भाई, पक्का आम लिया, उसको निकाला, उसको स्लाइस किया, उसका जूस निकाला, उसको बोतल भर के बेच दिया, समझ में आ रहा है। तो जब किसी प्रोडक्ट का जूस निकाल कर जिस इंडस्ट्री में हम बेचते हैं उस इंडस्ट्री को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जहां किसी प्रोडक्ट का जो एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट,
या ऑयल निकालने से बादाम का तेल आता है, लौंग का तेल आता है, ये सब मार्केट बिकता है, तो बादाम से निकालते हैं, लौंग से निकालते हैं, तो जो तेल बिकता है ना, जैसे फार्चून का तेल, रिफाइंड का तेल, सरसों का तेल, ये सब किस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? यह है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहां पे किसी प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। क्लियर हो गया हो? अभी बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहां पे कुछ बनाया जाता है, जहां पे कुछ बनाया जाता है, जैसे पुल लोग बनाते हैं, सीमेंट बालू से मिला के पुल बना दिए, सीमेंट बालू से लिया रबड़ से पुल बना दिए, जैसे कुर्सी बना दी, प्लास्टिक का कोई पॉलीमर है, कुर्सी है, बाल्टी है ना, प्लास्टिक का कोई सामान है, खिलौना है, ये सब बनाया जाता है, वहां मटेरियल से करते हैं, मशीन लगाते हैं, मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जहां पे किसी भी मटेरियल से हम कुछ नया बना रहे हैं, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल होते हैं, इसमें नेचुरल नहीं, जैसे हेलमेट, हेलमेट क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव, जैसे हम कुछ बना रहे हैं उसे बोलते हैं, ये हमारा हमारे सामने बोर्ड है, ये बोर्ड कंस्ट्रक्टिव है, इसमें लकड़ी से प्लाई निकला, प्लाई को हमने फिनिशिंग करी, उसमें कुछ लगा के ये बना दिया, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव। क्लियर हो गया? जहां पे हम कई चीजों से कुछ चीज बनाते हैं नया। अगला है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बात कर ले, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव में क्या हो सकता है, यहाँ पे असेंबली भी होती है, ठीक है ना, जैसे दो तीन चीज है, जैसे बाइक, अब बाइक का टायर अलग मिलता है, जब कहीं कंपनी बाइक बनती है तो टायर अलग, इंजन अलग, टंकी अलग, हैंडल अलग, गद्दी अलग, सब मिलाकर सिंपल करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहां पे हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमारी जो इंडस्ट्री होती है फार्मेसी वाली, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही आती है, उसमें एनालिटिकल है, ऐसा कोई चीज कर रहा है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उसकी प्योरिटी, इंप्योरिटी चेक करना, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। इसका इंडस्ट्री काम क्या है, कुछ बनाना नहीं, इसका काम सिर्फ क्या है, क्वालिटी चेक, जो आपने ट्रक बनाया है उसकी क्वालिटी चेक करना, क्या है इसका काम, एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगा। प्रोसेसिंग में क्या है, प्रोसेसिंग तो पहले से बनकर रखा है, बस आपको उसको प्रोसेस करना है, उसको सही करना है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे भाई मार्केट से कहीं से भी कोई फल लेके आए, ढेर सारा फल या टमाटर लेके आए, तो अब उस टमाटर में तुमने मान लीजिए कि टमाटर तुम 50 रुपए किलो खरीद लिया, अब उसमें तुम छांटोगे कि सही टमाटर क्या है, फ्रेश क्या है, एकदम बेहतरीन बोला है, उसको अलग करोगे, थोड़ा सा गला वाला अलग कर लोगे और दबा वाला अलग करोगे, दबा वाला बेचोगे 20 रुपया किलो, गला वाला बेचोगे 50 रुपया किलो, अच्छा वाला बेचोगे 90 रुपया किलो, तो क्या है प्रोसेसिंग, क्या है उसी प्रोडक्ट को अलग करना, क्वालिटी के हिसाब से उसको छोटे डिवाइड करना, दिस इज द प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे कि पाउडर खरीद के आते हो, तो आप पाउडर को फिल्टर करते हो, चालते हो, झाड़ते हो, फिर उसको पैक करके बेचते हो, तो वो क्या है प्रोसेसिंग, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे, बस उसी को हम और अच्छा कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सिंथेटिक में कुछ नया बनाना, जैसे बेंजोइक एसिड, जितने भी केमिकल आते हैं मार्केट में, पैरासिटामोल, ठीक है, ये सब बनाया जाता है किसी रॉ मटेरियल से, तो सिंथेटिक हो। असेंबली मतलब वही कि कई चीजों को मिलाकर जोड़ देते हैं, वो क्या होता है हमारा असेंबली, जैसे मैंने तीन चार अलग अलग चीजें हैं उनको मिला के हमने एक चीज बनाई, वो हमारा क्या है असेंबली। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अब इस मार्कर की बॉडी कहीं और बनती है, कैप कहीं और बनता है, इसके अंदर का जो इंक भरने वाला पैड है वो कहीं और बनता है, और स्याही कहीं और बनती है, सबको मिला के हमने इकट्ठा करने वाले मार्कर बनती है, तो ये असेंबली है, कई चीजों को मिक्स करना। ये किसके आधार पर था, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कि ऑन द बेसिस हम किसकी बात करेंगे, साइज के हिसाब से, कि कंपनी का साइज क्या है, क्या वो बना रहा है, लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, जहां पे छोटे मोटे आइटम बनते हैं, जैसे सोने चांदी के सुनार होते हैं, तो सुनार लोग ट्रैक्टर सामान मंगाते हैं, क्या सोने चांदी बनता है, या छोटे मोटे टिन के, एल्युमिनियम के, सिल्वर के, प्लास्टिक के, इनके आइटम जहां बनते हैं उस टाइप है। जहां बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे लोहे की सीट बन रही है, लोहे का चद्दर बन रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जहां कोयले की फैक्ट्री है, जहां के प्रोडक्ट, जहां ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, जहां बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, वो हैवी। अब प्रोडक्ट अगर छोटा बन रहा है तो लाइट, समझ आ गया ना, वो साइज के। अच्छा, अगला है स्केल के आधार पर, पैसे के आधार पर, भाई लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लोग काम करते हैं, बहुत वर्कर हैं, बहुत पैसे, अरबों का बजट है, लार्ज स्केल, छोटी मोटी कंपनी है, छोटे लोग, कम लोग काम करते हैं, कम ब्रांचेज है, स्मॉल स्केल, जैसे पार्ले जी कंपनी, भाई उसके पूरे इंडिया में कंपनियां हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की, ज्यादा लोग काम करते हैं, करोड़ों लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लार्ज स्केल। अब तुम अपनी कोई दुकान खोल लो, कि अतुल बिस्कुट स्टोर, अब अपना छोटा सा बनाओ, रोज 250 बनाओ, 300 बनाओ और बेच दो, ठीक है ना। चलो।